एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आईनेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, वेयर टुडे वी विल टॉक ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड विद आवर डेली लाइफ एंड दैट इज हमारा ब्लड प्रेशर। कभी गौर किया है आपने कि आपकी लाइफ का हर एक दिन आपके वर्किंग जोन या डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच कैसे चेंज होता रहता है? कभी तो आप अपने आप को फुल ऑन कंफर्ट जोन में पाते हैं और कभी किसी वजह से या बिना किसी प्रैक्टिकल वजह के भी खुद को एक अजीब से स्ट्रेस के तले दबा हुआ फील कर रहे होते हैं। बेवजह का गुस्सा आपके सिर पर हावी होता है, इसी के साथ सिर भारी होता है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है और इन सिम्टम्स को हम सिर्फ अपनी हैक्टिक लाइफ का रिजल्ट मानकर लाइटली ले लेते हैं। बट बी अवेयर, ये हाइपरटेंशन हो सकता है और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो तुरंत या तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर घर पर ही एज अर्ली एज पॉसिबल अपना बीपी चेक करें ताकि बढ़े हुए बीपी की कंडीशन में आप तुरंत इसका इलाज भी करा सकें। सो कितना जरूरी है आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में अपने बीपी को लेकर आपका अवेयर रहना और घर पर ही बीपी मेजर करने की सारी फैसिलिटीज की व्यवस्था रखना। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर ये सारी चीजें जानेंगे हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए आज के अपने वेबिनार अवेयरनेस ऑन मेजरिंग बीपी एट होम डूज एंड डोंट्स इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय जेबी फार्मा पर आपको सबसे पहले मिलवा दूं अपने एक्सपर्ट से जिनमें हमारे बीच आज मौजूद हैं। मेरठ से मेरठ किडनी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी, मैं सब स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत अपने इस वेबिनार पे। आपके साथ हमारे बीच मौजूद हैं वाराणसी के गैलेक्सी हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय पांडे जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने इस वेबिनार को और सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर अजय जी से। डॉक्टर साहब, हम लोग क्योंकि आज हाइपरटेंशन को लेकर बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपने इस वेबिनार पर, तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्चुअली ये हाइपरटेंशन क्या है और लोगों को इसे लेकर क्यों ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, इसको लेकर हमारे व्यूअर्स को प्लीज अवेयर करें। देखिए, हाइपरटेंशन एक तरह की ये हार्ट की बीमारी है जो कि सामान्यतः हमारे बहुत सारे मरीजों में एसिम्प्टोमेटिक रूप में प्रेजेंट रहती है। तो अगर जब हम लोग हाइपरटेंशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हाइपरटेंशन बेसिकली ये हमारे आर्टरीज में या हमारे धमनियों में बहने वाले ब्लड का एक प्रेशर है जो कि उनके आर्टरीज के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं कि आर्टरीज पर पड़ने वाला प्रेशर है। जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो हार्ट के जो ब्लड पंप होते हैं वो हमारे धमनियों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल अवधि से ऊपर होता है ऐसे मरीजों में बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने की संभावना होती हैं। उनका हार्ट मोटा हो जाता है, उनके किडनी पे बुरा असर पड़ता है। हाइपरटेंशन आपके आँखों पे, किडनी पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, सब पे बुरा असर डालता है। तो कई बार ये जानना जरूरी होता है कि ये ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का नॉर्मल वैल्यूज क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि अलग अलग सोसाइटीज ने अलग अलग रिकमेंडेशन दिया है, बट जो इंडियन हाइपरटेंशन सोसाइटी है वो ये कहती है कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से 140 तक हाई नॉर्मल है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 85 टू 90 हाई नॉर्मल है। बट 140 बाई 90 के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर किसी का रहता है तो इसको हमें नीचे रखने की या इसका इलाज करने की जरूरत होती है। किंतु एक बार ब्लड प्रेशर हाई होने की के कारण से हम लोग उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या उसके ऊपर इलाज शुरू नहीं करते हैं, उसको पहले हम लोग देखते हैं कि उसके और क्या कारण है। कई बार सूडो हाइपरटेंशन भी होते हैं, कुछ लोगों को कुछ कारणों के कारण ब्लड प्रेशर एक दो बार हाई होता है। तो एक या दो बार हाई होने पे हम लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी से मरीज को डायग्नोसिस नहीं करते हैं। और कई बार हमें कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं कि कुछ उनके जो घर में उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है क्लिनिक में बढ़ जाता है, या क्लिनिक में नॉर्मल होता है घर में बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग अलग अलग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग और होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये तरह के टूल्स हमारे पास अब अवेलेबल है। तो ये जी कारण प्लीज। सो डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि अभी बताया कि कई कंडीशंस में कि घर पे जो बीपी का मेजरमेंट है वो अलग रहता है, क्लिनिक पे आके बढ़ जाता है या क्लिनिक पे कम रहता है घर पे जाके बढ़ जाता है, तो इस तरह की कंडीशंस में क्या हम ये मान के चलें कि एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ रहा होता है कहीं ना कहीं बीपी को लेकर? कई बार ये देखा गया है कि आपके
मन का, आपके शारीरिक चीजों का आपके ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता है। जैसे अगर आप मानसिक रूप से उद्वेलित हैं या स्ट्रेस में हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लेना है तो उनको 10 मिनट का रेस्ट के बाद रेस्टिंग अवस्था में कोई चाय कॉफ़ी नहीं पिया होना चाहिए, कोई टोबैको या स्मोक का कंजम्पशन नहीं करना किया होना चाहिए, ब्लैडर फुल नहीं होना चाहिए, यूरिन वगैरह पास किया होना चाहिए, मरीज को सामान्य अवस्था में बैठा हुआ होना चाहिए या लेटा हुआ होना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापते समय हम लोग ये कहते हैं कि हाथ जो है वो हार्ट के लेवल पे होना चाहिए या व्यक्ति लेटा हुआ होना चाहिए, और ये सब ये सारे और मरीज के जो पैर हैं वो जमीन पे रखे हुए होने चाहिए, वो क्रॉस लेगेड या पैर के ऊपर पैर चढ़ा के नहीं बैठे हुए होने चाहिए। तो कई बार जब हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं या हम लोग अपने पैरामेडिक्स को बोलते हैं कि मरीज का ब्लड प्रेशर नापना है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कई बार उन्होंने देखा है कि मोटे लोगों के लिए अगर छोटा ब्लड प्रेशर कफ का उपयोग करते हैं तो भी वो ब्लड प्रेशर हाई नापता है कई बार, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कफ के साइजेज अलग अलग होते हैं। अगर बहुत लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह मीडियम साइज के कफ आते हैं तो सारे व्यक्तियों के लिए एक कफ से ब्लड प्रेशर नापा नहीं जा सकता है। कुछ लोगों को जो कि बहुत मोटे होते हैं उनके एक्स्ट्रा लार्ज कफ या बड़े साइज के कफ भी हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए जितनी भी चीजें हैं बीपी मेजर करने को लेकर, क्योंकि हाइपरटेंशन से हम लोग अगर अवेयर रहना चाहते हैं तो बीपी को मेजर करने के लिए हमें घर पे भी कुछ ना कुछ व्यवस्था रखनी पड़ेगी, और घर पर अगर हम खुद से बीपी को मेजर कर रहे हैं क्लिनिक जाने से पहले तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है? डॉक्टर अजय जी ने अभी उसकी शुरुआत करी है, उसके बारे में बताया। अभी हम लोग आगे के वेबिनार में यही सारी चीजें जानेंगे कि हम लोग अगर घर में बीपी को मेजर कर रहे हैं, खुद से अवेयर हैं, तो और किन किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है और हाइपरटेंशन को लेकर खुद को कैसे सेफ रखना है, आगे के वेबिनार पे हम लोग ये चीजें जानते रहेंगे। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीप जी से। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन को जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं तो हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें डिजीज के और करीब लाने का काम करते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। आजकल की जो दिनचर्या है उसमें मैं कहूँगा कि कोई भी आदमी सेफ नहीं है जहाँ तक ब्लड प्रेशर का सवाल है, और ब्लड प्रेशर ने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। जहाँ दिनचर्या अगर मैं बताऊंगा या स्टाइल में बताऊंगा लोगों की, पहले हम लोगों को अगर खाना खाना होता था हमारे पूर्वजों को तो उनको हंटिंग करनी पड़ती थी, शिकार करना पड़ता था तभी खाना मिलता था, और या फिर जब सिविलाइजेशन में आए तो एग्रीकल्चर मेहनत करनी पड़ती थी तब खाना मिलता था। आज के दिन में खाना इजीली अवेलेबल है, और आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि हम लोग अपने पूर्वजों से करीब करीब 10 से 15 गुना ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लड प्रेशर की इस महामारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे थे आज से 30-35 साल पहले मेडिकल में, तो बताया जाता था कि भाई ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद होता है, 40 साल की उम्र के बाद या 50 साल की उम्र के बाद में ब्लड प्रेशर आपको नापना चाहिए। लेकिन आज के दिन में मैं कहूँगा कि इवन बच्चों में भी ब्लड प्रेशर काफ़ी कॉमन है। तो अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा हो या कम हो, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट इवन स्कूल लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है, और 40 साल से ज़्यादा उम्र वालों में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप ब्लड प्रेशर अपना नापवाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको जब तक आप नापेंगे नहीं उसका डायग्नोसिस नहीं बनेगा। लक्षण जैसे कि डॉक्टर अजय ने बताया बहुत कम लोगों में आते हैं, 10-15% लोगों में ही ब्लड प्रेशर के लक्षण आते हैं, और अधिकतर में ये साइलेंटली हमारे शरीर के बाकी सिस्टम्स को खराब करती रहती है। तो यदि आपके फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, या आपको लक्षण जो कि बहुत कम लोगों में आते हैं, चक्कर आना, आँख की रोशनी कम हो जाना या गुर्दे की परेशानी होने की वजह से सूजन आना, ये काफ़ी एडवांस स्टेज होती है हाइपरटेंशन की जब ये लक्षण आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि लक्षण आने से पहले ही ब्लड प्रेशर नपवाएं। आज के दिन में मैं फिर रिपीट करूंगा कि एज ग्रुप कोई क्राइटेरिया नहीं है, और बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में भी ब्लड प्रेशर नापा जाए।
सो डॉक्टर साहब, अगर बच्चों में भी हम लोग बात करके चल रहे हैं कि बच्चों में भी ब्लड प्रेशर नापा जाए, तो क्या हम लोग अपने घर के जो बच्चे हैं उनका भी टाइम टू टाइम मेजरमेंट हम लोगों को बीपी का करते रहना चाहिए? ये आज के दौर में क्या हम इसको जरूरी मानकर चलें? बिल्कुल, ये 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 जरूरी है। और बच्चों में एक नंबर एक चीज होती है कि ब्लड प्रेशर अगर बच्चों में होता है तो कोई ना कोई कारण ढूंढना जरूरी होता है। कुछ कारण होते हैं जो क्योरेबल होते हैं, और वो कारण अगर नहीं मिलते हैं तो बहुत जरूरी है कि बच्चे की लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए, एंड यूनिवर्सली चेंज होना चाहिए। और पहले कहते थे जी लाइफ स्टाइल आप 40 के बाद में चेंज कीजिए, वॉक करना 40 के बाद में आप शुरू कीजिए, ऐसा नहीं है। बच्चे को स्कूल डेज से लाइफ स्टाइल के बारे में बताना होगा। आजकल हम लोग देखते हैं कि रात में बच्चे खाना खाते हैं, इवन 1 बजे 2 बजे यू कैन ऑर्डर फूड, एंड दैट फूड इज वेरी वेरी रिच इन सॉल्ट, बहुत ही ज्यादा उसमें नमक होता है, नमक की मात्रा होती है उस खाने में। अधिकतर नमक जो हम लोगों का आज के दिन में आ रहा है वो इन्हीं खानों से आता है, चिप्स, पापड़, पिज्जा, जो बाहर के खाने होते हैं, या प्रिजर्व फूड जो होता है। ये फूड प्रिजर्व केवल नमक की वजह से होता है, अगर नमक नहीं होगा तो फूड खराब हो जाएगा, तो इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो बहुत जरूरी है बच्चों को बाहर का कोई नमकीन चीज खाने से रोकना, कोई डिब्बा बंद चीजें जितनी प्रिजर्व्ड होती है वो नहीं खानी चाहिए, ये बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी नहीं खानी चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना सॉल्ट का इंटेक कम करें, और बच्चों का ब्लड प्रेशर नापना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो बच्चों को जब दिक्कतें बढ़ जाएंगी, उनके बाकी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएंगी तो और परेशानी बढ़ जाती है। ओबेसिटी बच्चों में काफी कॉमन है, दे आर द चिल्ड्रन हु आर मोर प्रोन फॉर ब्लड प्रेशर, जिनमें वजन का ज्यादा होना पाया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर प्रदीप जी ने जो जानकारी हमारे साथ शेयर करी है कि हम अपने बच्चों को लेकर भी अवेयर हैं। अभी तक तो हम लोग ये चीज सुनते थे, सोचते थे कि ठीक है यूथ्स में भी हाइपरटेंशन, अब जो आज के यंगस्टर्स हैं वो हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं, वो अभी तक एक चिंता का विषय बना हुआ था। अब जो चीज सामने आ रही है वो ये कि बच्चे भी हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। और इस पे अगर लगाम लगानी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्ट का इनटेक हम अपने बच्चों में बहुत नॉर्मल रखें, सो दैट कि वो आगे बढ़ते बढ़ते हम अगर उनको बाहर का प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ये सारी चीजें अगर लगातार दे रहे हैं तो एज यूजुअल कि उनमें सॉल्ट का इनटेक ज्यादा होता चला जाएगा और आगे जाकर हाइपरटेंशन की दिक्कत उनके साथ बढ़ जाएगी। हमें बच्चों को अगर अच्छा जीवन देना है, अच्छी लाइफ देनी है, तो हमें उनके लिए अभी से अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर अजय जी से पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हम लोग जस्ट हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं तो किसी भी पेशेंट के अभी जैसे कि डॉक्टर प्रदीप जी ने कुछ सिम्टम्स के बारे में बताया, उन्हीं सिम्टम्स को आपको थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी कि किसी भी पेशेंट को एक कैसे रियलाइज हो कि वो हाइपरटेंशन का शिकार हो चुका है, इसके लिए किस तरह के सिम्टम्स पर खास तौर पे गौर किया जाए जो हमें साफ इशारा दें कि अब ये हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है वो हमारे सामने रेज हो रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, प्रदीप सर ने अभी बताया इस बारे में। हम लोग कई बार ये देखते हैं और ये सर्वदा विज्ञ भी है कि हाइपरटेंशन वो साइलेंट किलर होता है। साइलेंट किलर का तात्पर्य है कि अधिकांश समय वो कोई कोई महत्वपूर्ण लक्षण आपको नहीं देता, बट जो सामान्य लक्षण हाइपरटेंशन के मरीजों में देखने को मिलते हैं वो है सर में दर्द होना, चक्कर आना, चलने पे सांस फूलना, धड़कन होना, इस तरह के, या किसी को अगर फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हम लोग बोलते हैं, माँ, पिताजी, भाई बहनों में अगर हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, या व्यक्ति में मोटापा है, व्यक्ति में डायबिटीज़ है या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उसको ब्लड प्रेशर अवश्य चेक करना चाहिए। बट अधिकांश लोगों में कई बार ये सवाल लोग पूछते हैं कि मेरे ब्लड प्रेशर हाई होने का कारण क्या है, तो अधिकांश लोगों में इसके कारण विज्ञ नहीं है, इसको हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अराउंड 85-90% लोगों को एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, जो कि बेसिकली एक जेनेटिक है, उसका कोई स्पेशल कारण नहीं है। कई बार हमारे शरीर के जो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बट 10-15% लोगों में किडनी की बीमारियां बहुत महत्वपूर्ण, जैसा प्रदीप सर ने बताया कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं जिनका कि जिनमें कोई मुख्य कारण होता है ब्लड प्रेशर होने का, वो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है किडनी की बीमारियां, एंडोक्राइन बीमारियां जैसे कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, थायराइड से रिलेटेड
या एड्रिनल ग्रैंड से रिलेटेड इन तरह की बीमारियों में भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, और कुछ बीमारियों में कॉन्जेनाइटल बीमारियां हम लोग देखते हैं जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो मुख्यतः अगर मैं सारांश में कहना चाहूँ तो ये जान के चलिए कि अधिकांश लोगों को ब्लड प्रेशर के लक्षण नहीं होते हैं, और कुछ बड़े ट्रिवियल से लक्षण होते हैं जिनको कि आप कई बार पकड़ नहीं पाते, और जैसा कि आपको तनाव में किसी लोगों के सर में भारीपन रहता है, हेडेक होता है, चलने में सांस फूलती है, धड़कन होता है, ये सब छोटे मोटे लक्षण भी आपको आ रहे हैं और ये बराबर ही आ रहे हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर आपको अपने जनरल फिजिशियन से या अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से या होम फिजिशियन से चेक करना चाहिए। और घर में भी आप ऑटोमेटिक बीपी मशीनें आजकल कोविड के काल के बाद सभी लोग जो है घर में पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मशीनें रखने लगे हैं, तो उससे आप अपना ब्लड प्रेशर घर में भी नाप सकते हैं। और अगर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो 140-90 के ऊपर आ रहा है कई बार नापने पे, नॉर्मली हम लोग नापने की प्रक्रिया में बोलते हैं कि अगर आप ब्लड प्रेशर घर में नाप रहे हैं या क्लिनिक में भी नाप रहे हैं तो 3 रीडिंग लेना चाहिए। पहला रीडिंग आप छोड़ दें, दूसरे और तीसरे रीडिंग को एवरेज करें, और अगर दूसरे और तीसरे रीडिंग को एवरेज करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर 140-90 के ऊपर रहता है तो इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर होने की शिकायत है, आपको अपने फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत है। वो आपको आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या यह ब्लड प्रेशर का कोई कारण है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जिसको हम लोग कहते हैं, या कोई बिना कारण के है जिसमें कि सर ने बताया कि एक्स्ट्रा सॉल्ट इनटेक होना, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहना, डायबिटीज या अन्य जेनेटिक बीमारियां जो कि जिन लोगों को माँ बाप भाई बहनों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उन कारण से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। ओबेसिटी जैसा कि सर ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और हमारे सारे लोगों में ओबेसिटी एक महामारी की तरह आ रहा है, जैसे कि डायबिटीज महामारी की तरह आ रहा है, उस तरह ये सारी बीमारियां साथ साथ चलती हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर भी उन लोगों के साथ ही साथ रहता है। जो जिन लोगों में हम लोग देख रहे हैं कि अपने बच्चों में, यंगस्टर लोगों में, जो लोग अधिक समय बैठ के काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उन लोगों की कम हो गई है, तनाव दिनचर्या में बढ़ गया है, और हमारे जीवन में खाना पीना, सॉल्ट इनटेक, इवन कैलोरीज इनटेक हम लोग की बहुत बढ़ गई हैं, तो इन सब के कारण जो है ब्लड प्रेशर हाई रहने की संभावना होती है। और ब्लड प्रेशर हाई रहने इसके कुप्रभाव क्या हैं? जो सबसे खराब कुप्रभाव है कि आपको हार्ट डिजीज या स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा होता है, जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को स्ट्रोक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे अल्कोहल का इंटेक और तंबाकू का सेवन हमारे देश में और पूरे विश्व में बढ़ा हुआ है, बाकी विदेशों में और वेस्टर्न कंट्रीज में इसका उपयोग धीरे धीरे लोग कम करने के प्रयास कर रहे हैं, बट हमारे देश में तंबाकू का उपयोग बहुत ज़्यादा है और अल्कोहल का भी इंटेक, तो अल्कोहल और तंबाकू ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मली भी बढ़ा देते हैं, तो ये चीज़ों का सेवन भी आपको कम करना होगा। सब अभी जैसे कि बात आप लोगों ने चीजें बताई कि फैमिली हिस्ट्री को लेकर जो हाइपरटेंशन की शिकायत है वो हो सकती है, एंड इसके अलावा अल्कोहल का सेवन या तंबाकू का सेवन या जो बहुत ज्यादा आज के जीवन में, आज के लाइफ में हम लोग के साथ हम लोग की चीजें हो रही हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ, तो क्या अगर हम लोग फैमिली हिस्ट्री को ना लेके चले तो ये सिर्फ फैमिली हिस्ट्री में नहीं है किसी को हाइपरटेंशन, तो क्या इन वजहों से भी हाइपरटेंशन का शिकार हम हो सकते हैं ऐसा मान के चला जा सकता है? अवश्य, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं है बट आप में मोटापा है, आपका सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, आप टोबैको अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, तो आप में ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना आपके काउंटर पार्ट में जो इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं उनमें, उनसे आप में ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश में भी और विदेशों में भी देखा गया स्टडीज में कि एक तिहाई लोगों को ही ये पता होता है, या जैसा हमारे देश में 100 हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो उसमें से एक तिहाई लोगों को 25-30%, 30% लोगों को, 35% लोगों को ये पता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, और उनमें से एक तिहाई लोगों का ही ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल हो पाता है, और तो ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या पता भी होता है तो वो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इस वेबिनार को देख रहे हैं, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय जेबी फार्मा, उनके लिए हाइपरटेंशन से जुड़ी ये छोटी छोटी चीजें उनकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसे हम लोग अपने हाइपरटेंशन को लेकर खुद को अवेयर रखें और कैसे घर पे हम लोग बीपी को मेजर कर सकते हैं, किन किन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, इन चीजों की जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आप भी जान सकें कि किन किन चीजों का हमें डेली लाइफ में ध्यान रखना है।
एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीप जी से। डॉक्टर साहब, अगर किसी केस में हाइपरटेंशन के ऐसे कोई भी सिम्टम नजर ना आ रहे हों जिनकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर पेशेंट टू चेक कि वो हाइपरटेंसिव है या नहीं? क्या उन्हें अपने फिजिशियन से टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहना चाहिए या फिर उन्हें रेगुलरली घर पर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना ही चाहिए? देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर अजय ने बताए, वो मैं पहले बताना चाहूँगा। मैं गुर्दे का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, दे आर लाइफ स्टाइल डिजीजेस। 80% जो गुर्दे के मरीज होते हैं जिनकी लंबे समय से गुर्दे की बीमारी होती है, वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। तो अगर हम अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लें तो हम गुर्दे की बीमारी को बहुत नीचे तक ला सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि बहुत शुरू से ही बताया जाए, ये स्कूल लेवल पे शुरू होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर अजय ने बताया कि मेजोरिटी हम लोगों में से अवेयर नहीं है कि हमको ब्लड प्रेशर है, और जो हम लोग अगर उन्हें बताते भी हैं, एक्सीडेंटली हम लोगों ने किसी का ब्लड प्रेशर नापा और बताया, तो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है। वो बोलते नहीं जी, मुझे तो कभी रहता ही नहीं है जी, मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई लक्षण बहुत कम लोगों में आते हैं, और ब्लड प्रेशर जब तक लक्षण आते हैं कई बार गुर्दे, दिमाग, हार्ट और आपकी नसों पर काफ़ी असर डाल देता है। ब्लड प्रेशर को पकड़ने के लिए ये पब्लिक में पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तो हर जगह पर मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है। स्कूल लेवल पर होना चाहिए मेडिकल चेकअप, कॉलेज लेवल पर होना चाहिए, और जो भी हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, लाइक वी हैव कि पेशेंट्स आते हैं, तो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं या मोर प्रोन, क्योंकि उनमें फैमिली हिस्ट्री हो रही है, हाइपरटेंशन है उनको, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो देयर अटेंडेंट शुड बी स्क्रीन फॉर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। घर पर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अक्सर हम मरीजों को कहते हैं कि भाई अपना ब्लड प्रेशर घर पर जरूर नापिए, और उसमें बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है कि अलग अलग टाइम पर नापिए। ब्लड प्रेशर में वेरिएबिलिटी होती है, सुबह को ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है, शाम को बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप एक ही टाइम पर ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं तो शायद वो ठीक मेजरमेंट नहीं होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ डॉक्टर अजय ने बताए थे कि भाई स्मोकिंग करने के बाद नहीं नापना चाहिए, कॉफ़ी के बाद नहीं नापना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए जिस समय आप ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा होना चाहिए, अगर उसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है, कभी वो 200-100 दिखा रहा है और अगला ब्लड प्रेशर 120-80 या 130-80 दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है। कफ का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कफ का साइज नॉर्मल हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। होम मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब आते हैं लोग, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है, डॉक्टर वो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट की वजह से या डॉक्टर को देख के, इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं, तो घर का जो ब्लड प्रेशर नापा हुआ होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड, घर पर कई बार क्या गलती करते हैं कि लोग सोचते हैं कि जो गुस्सा आता है हमारे मरीज को वो ब्लड प्रेशर की वजह से आता है, तो जब गुस्सा आ रहा होता है उस समय वो ब्लड प्रेशर नापेंगे, वो सही ब्लड प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि गुस्से में तो सभी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर की वजह से गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो ट्रू ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और एक रीडिंग पे नहीं जाना चाहिए, रिपीटेड रीडिंग्स जैसे कि डॉक्टर जी ने बताया कि लेनी चाहिए, रिपीटेड डेज पे लेना चाहिए, और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे सही से ब्लड प्रेशर कैसे लिया जाता है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे होते हैं, और कैसे घर पे ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, ये सब नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो गुर्दे के मरीज होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है सूजन, पैरों में सूजन होना। पैरों में सूजन अगर होती है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, और उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नमकीन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, और इवन हम लोग कहते हैं कि पानी आप कम लीजिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गुर्दे की बीमारी में पानी फायदा करता है, लेकिन अगर आपको सूजन है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको पानी और नमक का सेवन काफी कम करना होगा, जब तक नहीं करेंगे कोई दवा काम नहीं करेगी।
बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां डॉक्टर प्रदीप जी ने इस वक्त हमारे साथ शेयर करी हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग मान के चलते हैं कि अगर किडनी की डिजीज है तो फिर पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, बट पानी और नमक का इंटेक हमें तब लिमिटेड रखना चाहिए अगर पैरों में स्वेलिंग है। एंड इसके साथ ही डॉक्टर प्रदीप जी ने बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा सर फट रहा है, बट बीपी की वजह से गुस्सा नहीं आ रहा होता है, गुस्से की वजह से बीपी हाई हो रहा होता है। तो कई सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो हम लोग डेली लाइफ में कुछ अलग तरह से उनको देखते हैं, बट अगर एक्चुअल देखा जाए तो हमारे एक्सपर्ट्स उनके डेफिनेशन ही बदल के रख देते हैं। तो क्या सही है क्या गलत, ये हमारे इस वेबिनार पे हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है हमारे डियर 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 व्यूअर्स। एंड जहां तक बात अभी डॉक्टर प्रदीप जी ने मेजरिंग बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, तो मैं डॉक्टर अजय जी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब अगर घर पर ब्लड प्रेशर मेजर करना हो तो किस बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना बेहतर होगा जो हमें एकदम परफेक्ट रिजल्ट दे? देखिए, घर पे या होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए पूरे विश्व में जो है वो जो ऑटोमेटेड बीपी मशीन्स आती हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है और वही करना सबसे उचित होता है। बट उसमें सबसे अच्छा क्या रहता है कि कुछ ऐसी बीपी मशीनें आती हैं जो ऑटोमेटेड बीपी मशीनें होती हैं जो कि 3 रीडिंग लेती हैं, उसके बाद उसका एवरेज करके देती हैं। थोड़ा उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है। कई बार ये लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि ये जो ऑटोमेटिक बीपी मशीन्स होती हैं जो कि ऑसिलोमेट्री मेथड से बीपी नापती हैं, नॉर्मली हम लोग क्लिनिक में ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर या पारा वाला यंत्र यूज़ करते हैं, बट समय के साथ ये पारा वाला यंत्र जो है वो सारे विश्व में धीरे धीरे फेज आउट हो रहा है और वो ऑसिलोमेट्रिक मेथड वाला जो ऑटोमेटिक बीपी मशीन्स हैं वो वाला अब सभी जगह पे यूज होने लगा है। तो ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मशीन्स का ही उपयोग करना चाहिए, बट वो अच्छी क्वालिटी की और स्टैंडर्ड कंपनी, जैसा कि प्रदीप सर ने बताया कि जो है उसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए, मतलब ब्लड प्रेशर ऐसा ना हो कि कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम नाप रहा है। और मैंने जैसे शुरुआती समय में बताया था कि नापते समय कुछ प्रिकॉशंस लेना है, सर ने जैसे बताया कि आप अलग अलग समय में ब्लड प्रेशर अपना लीजिए, उसका एक चार्ट बनाइए और अपने डॉक्टर के पास जाइए। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप नापते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि आप रेस्टिंग अवस्था में होना चाहिए, कोई मेंटल या फिजिकल एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई फीवर आ रहा है, कोई इन्फेक्शन है, उस समय आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर आप किसी मेंटल एग्जॉशन में है, मूड डिप्रेशन में है, तनाव में है, एक्साइटमेंट में है, उस समय अपना ब्लड प्रेशर नापेंगे तो वो बढ़ा हुआ आ सकता है, वो फिजियोलॉजिकली भी बढ़ जाता है उस समय में, उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो आप 10 मिनट एटलीस्ट रेस्टिंग अवस्था में होना चाहिए, टोबैको स्मोकिंग वगैरह नहीं किया होना चाहिए, कॉफ़ी टी नहीं पिया होना चाहिए, ब्लैडर एंड बाउल एम्प्टी होने चाहिए, आप बैठे होने चाहिए और आपका हाथ हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, ऐसे हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, या आप लेटी हुई अवस्था में होने चाहिए और 3 रीडिंग लेना चाहिए। पहला रीडिंग छोड़ दीजिए, दूसरे तीसरे को एवरेज करिए, या अगर आपकी मशीन बहुत अच्छी क्वालिटी की है जो कि बहुत सारी मशीनों में अब आजकल आने लगा है, तो वो एवरेज 3 रीडिंग लेके तीनों रीडिंग का एवरेज करके आपको रिपोर्ट देती हैं। तो ऑटोमेटेड बीपी मशीन्स ही स्टैंडर्ड हैं पूरे विश्व के लिए और सभी लोग घर में इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आप ना सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का, पड़ोसियों का भी ब्लड प्रेशर मेजर करके उनको अवेयर कर सकते हैं कि उनका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ 140-90 के ऊपर रह रहा है तो ये अलार्मिंग है, उसके लिए उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जहां हम लोग अगर बच्चों के मेजरमेंट की, बच्चों के हाइपरटेंशन मेजरमेंट, बीपी मेजरमेंट की बात करते हैं, तो क्या बच्चों के लिए भी हम लोग सेम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं कि उनके लिए कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे? देखिए, एडल्ट्स के जो मैंने क्राइटेरिया बताया कि 140/90 का क्राइटेरिया है और जो कफ साइज होता है वो नॉर्मली सारे ब्लड प्रेशर की जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें एक ही बीपी कफ अवेलेबल होता है, लेकिन 18 साल से लेकर ऊपर 80 साल तक के भी लोगों के लिए वही कफ और वही मशीन यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी वो मशीन हम यूज कर सकते हैं, बट बच्चों के लिए हमें कफ साइज छोटा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है जो कि जन्मजात बच्चा है उसके लिए बहुत छोटे कफ आते हैं, 4-5-6-8 साल के बच्चों के लिए अलग साइज के कफ आते हैं, जो एडल्ट वैरायटी के हो गए, एडोलेसेंट हैं जिनका कि बॉडी वेट और हाइट वगैरह बढ़ चुका है, उनके लिए हम लोग एडल्ट साइज कफ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चों के लिए मशीन वही यूज करना है, बट कफ के साइज हमें डिफरेंट लेने पड़ते हैं, जो कि स्मॉल और वेरी स्मॉल साइज के कफ आते हैं वो यूज करने पड़ते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सो जैसा कि इंस्ट्रूमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चों और यूथ्स की या एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो कप साइज के अकॉर्डिंग हम उनको डिफरेंट डिफरेंट साइज में कप साइज दे सकते हैं। बट ब्रांड की, किसी अच्छे ब्रांड की मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ही अगर हम लोग लेके चले तो बेहतर होगा, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। एंड डॉक्टर प्रदीप जी से पूछना चाहूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हम लोग जब मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, बीपी मेजरमेंट की, तो अगर उनके तरीकों पर जाएं, तो घर पर ब्लड प्रेशर को मेजर करते वक्त आमतौर पर देखने में आता है कि फैमिली मेंबर्स बेड पर ही बैठकर पेशेंट का बीपी चेक कर रहे होते हैं या उनसे बात भी कर रहे होते हैं। सो क्या बीपी को मेजर करने का ये सही तरीका है? नहीं, ये सही तरीका नहीं है, और डॉक्टर जी ने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में ऑलरेडी बताई हैं। पेशेंट को रेस्ट में होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, पैर के ऊपर पैर रखना ठीक नहीं है, पैर लटके नहीं होने चाहिए, पैर रेस्ट पर होने चाहिए। हाथ का जो लेवल होना चाहिए वो हार्ट के लेवल पर होना चाहिए, और हाथ को ऐसे नहीं कि हैंग करके रखना है, वो भी रेस्टेड होना चाहिए हाथ की। और बहुत ज़रूरी है कि कफ का साइज ठीक हो, ये बहुत ज़रूरी है। कॉफ़ी वगैरह नहीं पीनी चाहिए ब्लड प्रेशर लेने से पहले, कोई सीढ़ी वगैरह चढ़कर आए हैं या कोई फिजिकल एक्सरसाइज किए वो नहीं होनी चाहिए। और आप जो भी ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं वो एक ही आर्म में नापें, दोनों आर्म्स में भी अलग अलग ब्लड प्रेशर हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप कभी लेफ्ट में नाप रहे हैं कभी राइट में नाप रहे हैं और उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों आर्म्स में भी ब्लड प्रेशर का डिफरेंस थोड़ा नॉर्मली हो सकता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, और अलग अलग टाइम पर ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है, डायरनल वेरिएशंस होते हैं ब्लड प्रेशर में। अक्सर रात में ब्लड प्रेशर डिप होता है और अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप ब्लड प्रेशर नापेंगे तो वो नेचुरली हायर साइड पर होगा, तो ये वेरिएशंस भी ध्यान रखने पड़ते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि उसको नोट करें, ब्लड प्रेशर आपको कोई लक्षण हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर को नोट कीजिए और उस पूरे एक महीने के ब्लड प्रेशर को लेकर आप घर डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और एक और चीज़ जो देखी गई है, अक्सर जिस दिन डॉक्टर के पास मरीज आते हैं वो दवा लेकर नहीं आते, वो सोचते हैं शायद डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर नापेगा और कहेगा कि जी अब दवा का ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि अगर हमने नहीं पूछा उनसे कि आप दवा लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, तो हम ये मानते हैं कि इन दवाओं से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, और हम दवा का लेवल बढ़ा देते हैं, जिससे घर जाके मरीज को ब्लड प्रेशर लो होकर चक्कर वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो जिस दिन भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाएं, पूरे एक महीने का रिकॉर्ड लेकर जाएं, नंबर वन, नंबर टू दवा लेकर जाएं सुबह की, नंबर तीन ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, हर बात के लिए ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करें, लेकिन अगर आपको लक्षण आ रहे हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के या लो होने के, तो डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखने में आया है कि वर्कआउट, कुछ जो जैसे यंगस्टर्स हैं वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, तो वर्कआउट करते करते उनको हार्ट की जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ने लगता है, या उनको स्वेटिंग, क्योंकि वर्कआउट के दौरान तो स्वेटिंग होगी बट हार्ट रेट बढ़ने के साथ साथ स्वेटिंग होने लगती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वर्कआउट नहीं सूट कर रहा हो, या वर्कआउट की वजह से हाइपरटेंशन की दिक्कत हो रही हो? कैन इट बी पॉसिबल? देखिए, मैंने शुरू में एक चीज़ कही थी आपको कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हंटिंग करते थे, फिर खेत में काम करना शुरू किया। और एक चीज़ सेइंग है कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ये हिप्पोक्रेटिस जो फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उनका कहना है वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप वॉक कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, दे आर गुड एक्सरसाइज। जिम में जाकर आप अगर जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगी, नंबर वन। नंबर टू, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनका आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, एंड मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हाई प्रोटीन डाइट देते हैं जो जिम्स में, जो हाई प्रोटीन डाइट बच्चे लेते हैं, उतनी प्रोटीन के लिए हमारे गुर्दे नहीं बने हैं। हमारे गुर्दे 1 to 2 gram per kg बॉडी वेट मैक्सिमम प्रोटीन, लेकिन कभी कभी बच्चे बॉडी बिल्ड करने के लिए एक वेरी हाई प्रोटीन विच इज कॉज ऑफ किडनी डिजीज एंड विच ऑल्सो कॉजेज हाइपरटेंशन। आप जा तो रहे हैं जिम में अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करने के लिए, बट यू बिकम विक्टिम टू ए डिजीज जो कि प्रोग्रेसिव होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज हो। इसलिए जिम में उतना ही एक्सरसाइज आदमी को करना चाहिए। अगर आपको कार्डियक डिजीज है, कोई बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर
कॉन्टेक्ट करें कि जी मैं कितना एक्सरसाइज कर सकता हूँ। और मेरा अपना मानना ये है कि वॉकिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है, स्विमिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है, साइकिलिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है, जिम जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक आदमी दिन में 30-40 मिनट्स डेली वॉक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे, एंड कभी भी अपनी क्षमता से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली कि हमें अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो वो हम पर ही हावी होगी। तो हमारे यंगस्टर्स, हमारे यूथ्स और हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होना होगा कि अपनी क्षमता से ज़्यादा अपने आप को मेनटेन करने के लिए अगर हम कुछ चीज़ें करते हैं तो वो हम पर गलत इफेक्ट डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर अजय जी से पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हम लोग जब बीपी को मेजर करते समय कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की बात करते हैं कि इन इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो वही बच्चों की अगर बात करें, हम बच्चों का बीपी मेजर कर रहे हैं तो उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमको अवॉइड करने की ज़रूरत है कि ये ना कर रहे हों बच्चे तभी उनका बीपी मेजर करें? देखिए, वो जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में उनके समय जो जो प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जो कि मैं पहले बताया हूँ और प्रदीप सर ने भी उसको इंडोर्स किया है, वही प्रिकॉशंस बच्चों के साथ भी रखना होता है। कि जैसे बच्चे अगर वो रेस्टिंग अवस्था में नहीं है, जैसा कि अभी आपने बताया कि बातचीत का, जब आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट हो रहा हो उस समय बातचीत करना या कंटिन्यूस बोलते रहने से भी ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट आता है, तो उस समय बिल्कुल शांत अवस्था में होना चाहिए। और अगर बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर वो फिजिकली बहुत एक्टिव हैं उस समय, वो कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस समय उनका ब्लड प्रेशर वेरिएशन हो सकता है। तो वो जो मेथोडोलॉजी है, जो प्रिकॉशंस हैं, वो सारे के लिए एक जैसा ही है। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो प्रदीप सर ने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, कि फिजिकल एक्टिविटी जो कि हमारे हार्ट के लिए जो जो कि अच्छी होती है, उसको जो रिकमेंडेशन है पूरे विश्व में, तो हम लोग कहते हैं कि 150 मिनट्स ऑफ डायनेमिक एक्सरसाइज, और जिसको कि ब्रिस्क वॉकिंग साइकिलिंग जो सर ने बताया, 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 days इन अ वीक इज गुड एनफ फॉर अ गुड कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। और अगर आपको 2 दिन के लिए आप मसल ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2 days इन अ वीक इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड मस्कुलर एंड ऑर्थोपेडिक फिटनेस एज वेल, जो कि हमारे टेंडन्स और जॉइंट्स और मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं, नॉट मोर देन 2 days इन अ वीक। पर्टिकुलरली जो लोग ज़्यादा मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उनको इस बात का दिया, जो लोग बहुत ज़्यादा जो मैराथन रनर्स हैं और जो है टू मच ऑफ एक्सरसाइज इज गुड फॉर हार्ट और नॉट, इसके ऊपर एक बड़ा वेबिनार हम लोग कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी एक लिमिट के ऊपर अगर कोई अच्छी चीज़ भी अगर आप कर रहे हो तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। और 2 दिन आपकी मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, और ये सब जब भी एक्सरसाइजेज करनी होती हैं, वो आपके कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, आपकी स्टेमिना, आपकी एज, उन सब के द्वारा गाइडेड होनी चाहिए। और किसी भी जिम में आप जब जाते हैं कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने के लिए, तो उसके पहले आपका रिस्क फैक्टर इवेल्युएशन जरूर होना चाहिए। अगर आप मिडिल एज ग्रुप के हैं, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि 35-40 साल के लोग जिम में गए और उनको हार्ट अटैक हो गया, कई बार लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई होते हैं। और हमारे देश में ब्लड प्रेशर के अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियां होने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उसमें भी मरीजों को कोई लक्षण नहीं आते। और अगर सालों से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, आपका पहले कभी रिस्क इवेल्यूशन नहीं हुआ और आपकी उम्र 35-40 साल है और आप जिम में जाके हैवी एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हैं, तो आपकी हार्ट पे एक एक्स्ट्रा लोड पड़ता है जो कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है और आपको कभी भी हार्ट अटैक वगैरह आने की संभावना बढ़ सकती है। तो इसलिए पहले एक अपना जनरल फिजिकल इवेल्युएशन, जैसा कि सर ने बताया कि यंग एज में ही, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हमारे देश में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हम लोग सेडेंटरी होते जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं जिनमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, ओबेसिटी, तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें शामिल होती जा रही हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए, और तभी आपको जो है ये सारे एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आप जा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का तात्पर्य सिर्फ मसल बिल्डअप करने से नहीं होता है, क्योंकि जो विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो कहता है कि द इम्पॉर्टेंस और डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ इज़ नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल बींग
is important, is a sign of maybe for health you need all these things to be in a good condition. सो डॉक्टर अजय जी ने अभी जो पिछले दौरान पिछले कुछ दिनों के दौरान जो हम लोग के दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि कई सेलिब्रिटीज ऐसे रही हैं जिनकी जिमिंग के दौरान एक्सरसाइज के वर्कआउट के दौरान डेथ हुई है, हार्ट अटैक पड़ा है, तो उस दौरान हम लोग के दिमाग में सारी चीज़ें चली कि एक्चुअली इन लोगों का जो इन लोग की डेथ है वो जिमिंग के दौरान क्यों हो रही है. उसका जवाब आज डॉक्टर अजय जी के थ्रू हम लोग को मिला कि हम लोग अगर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ चीज़ें करते हैं तो हमारे हार्ट पर असर डालता है. तो ऑब्वियसली यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बैड इफेक्ट क्रिएट करती हैं और हम लोग को इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर रहने की ज़रूरत है. एंड डॉक्टर अजय जी से ही पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी. डॉक्टर साहब, जब बीपी को मेजर करते समय कुछ चीज़ों को अवॉइड करने वाली बात हम लोगों ने करी, अब ऐसे में अगर फिर भी कोई गलत तरीके से ही बीपी को मेजर करना कंटिन्यू करता है, वो नहीं ध्यान देता है, तो उससे किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? देखिए, उस चीजों को करेक्ट करने के लिए हम लोग एक जैसे टूल है, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक तरह का टूल अभी हम लोगों के पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग. एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एक तरह का यंत्र है जो कि पूरे विश्व में हम लोग यूज कर रहे हैं. थोड़ा कॉस्ट उसका ज्यादा पड़ता है, इसलिए कई बार लोग उसको नहीं करना चाहते हैं, बट बहुत ही सिंपल टूल है कि वो आप मरीज को ब्लड प्रेशर की मशीन लगा देते हैं जो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग करती रहती है हर घंटे घंटे, दिन के टाइम में और रात के टाइम में, दो दो घंटे पे, और उसको हम लोग घर भेज देते हैं. मरीज अपनी नॉर्मल जीवन शैली या अपनी नॉर्मल जीवन प्रक्रिया में रहते हैं और उनको ये बता देते हैं कि जब भी ब्लड प्रेशर नापे तो अपने हाथ को हार्ट के लेवल पर रख लीजिए जिससे कि आपका हाथ हैंगिंग ना हो. तो इससे हमें पूरे दिन का और रात का एक ब्लड प्रेशर का चार्ट मिल जाता है कि मरीज का ब्लड प्रेशर दिन में कितना था, किस समय उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, रात में उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मली कम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट डिपिंग फिनोमेना, वो नाइट डिपिंग हुआ कि नहीं हुआ. कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों को हम लोगों ने देखा है, जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ कि खर्राटे की बीमारियाँ होती हैं, खर्राटे की बीमारियों का ब्लड प्रेशर के साथ एसोसिएशन देखा गया है कि जिन लोगों को खर्राटा ज़्यादा आता है उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इवन रात के टाइम में उनका ब्लड प्रेशर डिप करने के बजाय वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो ऐसे मरीजों को हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और इसका इलाज करना होता है उसके लिए एक हम लोग बोलते हैं सीपैप मशीन लगा के उनको रात में सोना होता है जिससे कि उनका खर्राटा बंद हो जाए. और रेजिस्टेंट टाइप के जो ब्लड प्रेशर होता है, जिनका कि ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ा हुआ है, तमाम दवाइयों के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है घर के ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में या एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में, तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखने की होती है कि पेशेंट का ड्रग कंप्लायंस कैसा है, वो दवाइयाँ खा रहा है कि नहीं खा रहा है. महत्वपूर्ण बात जैसे डॉक्टर प्रदीप सर ने बताया कि जिस दिन वो आपके पास आते हैं दवाई छोड़ के आते हैं, 80-90% लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं, क्या वो एक्स्ट्रा सॉल्ट की मात्रा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं. कई बार कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जैसे कि जिसमें कि दर्द की दवाइयां हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं NSAID, जो किडनी पर भी बुरा असर डालती हैं. ये दर्द की दवाइयाँ कई लोग ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से, दांतों के डॉक्टर से या ओवर द काउंटर लेके खा रहे होते हैं, जिसमें कि ब्रूफेन, एसिलोफेनेक, निमोसलाइड, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो कि आपकी किडनी पे भी बुरा असर डालती हैं लंबे समय में और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देती हैं. स्टेरॉइड्स हैं और कुछ अलग तरह की भी दवाइयाँ हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को पुअर कर देती हैं. अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी खा रहे हैं तभी भी आपका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं हो पाता है. कुछ लोगों में अल्कोहल का सेवन ज़्यादा होता है, टोबैको का सेवन ज़्यादा होता है. हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दे रहे होते हैं, वो ब्लड प्रेशर घर में नाप रहे होते हैं, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है. तो इस तरह के मरीजों में हम लोग कहते हैं कि जब तक ये लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें, ड्रग कंप्लायंस नहीं रहेगा, लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें ठीक नहीं होंगी, उनका सॉल्ट इनटेक कंट्रोल नहीं होगा, उनका जो है वेट रिडक्शन नहीं होगा, अल्कोहल या टोबैको का सीजेशन नहीं होगा, क्योंकि उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, वो भी एक तरह की बीमारी है. अगर आप पेशेंट को टोबैको से डी एडिक्ट नहीं कराते हैं, हम लोग कई बार हमारे पास इतना समय नहीं होता तो हम लोग उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं टोबैको सीजेशन प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि ये टोबैको अपने आप में छोड़ना एक मुश्किल काम होता है सामान्य लोगों के लिए. अल्कोहल को मॉडरेशन में या अल्कोहल को कम करना, बंद करने के लिए सलाह देते हैं. और अगर उनको खर्राटे की बीमारियां हैं, स्लीप एपनिया है, तो उसके लिए एक डॉक्टर से सलाह लेके स्लीप स्टडी करा के हम लोग बोलते हैं कि आप सीपैप नाम की मशीन है उसको लीजिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर हमें कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी. कुछ लोग जो है आजकल सेंधा नमक नाम की चीज़ यूज़ करना शुरू करते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीजों में सेंधा नमक खाने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये एक भ्रांति या मिथ है. आयोडिनेटेड सॉल्ट ही सबसे बेटर रहता है और सेंधा नमक में कई बार आयोडीन की मात्रा नहीं होती, वो एक रॉक सॉल्ट है. तो हम लोग ये समझाते हैं लोगों को ऐसा ना करें, सेंधा नमक खाने मात्र से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, नमक की मात्रा को कम रखना है.
जितने सॉल्टी चीजें जैसा कि सर ने बताया उनको अवॉइड करना है, रोटी दाल सब्जी में जितना नमक की मात्रा हमारे खाने पीने में है वो खाना है, अचनी चटनी अचार पापड़ नमकीन और ये जो प्रोसेस फूड से ये सबको बचाव करना चाहिए। डॉक्टर अजय जी ने जिस एक बड़े मिथ का खुलासा हमारे बीच में किया है, जो वाकई हम लोग के बीच में जनरली चीजें आजकल के दौरान चल रही हैं कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें तो उससे बीपी जो होगा कंट्रोल में रहेगा, बट ये जानने वाली चीज है कि ऐसा नहीं है। चाहे हम सेंधा नमक लें या नॉर्मल नमक लें, जो नमक की जो क्वांटिटी है उसको लिमिटेड रखना है, दोनों से इस चीज को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर प्रदीप जी से मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहब आई हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ABPM, सो इसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि ये किस तरह की मशीन है और पूरे दिन हमारे बीपी को मेजर करने के लिए इसे कहाँ अटैच किया जाता है, क्या है ये और इसे क्यों यूज करना बेनिफिशियल है हमारे लिए, प्लीज हमारे व्यूअर्स को इसे अवेयर कराएं। ये डॉक्टर अजय ने भी बताया है इसके बारे में, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का एक तो नंबर वन डायग्नोसिस अगर डाउट में है तो ABPM मशीन हम लोग यूज़ करके डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ होती है एक बार पर्चे पर लिख दिया जाता है कि इस मरीज को ब्लड प्रेशर है तो उसको कैंसिल करना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी दवा ऊपर नीचे होती रहेंगी लेकिन उसको कोई ये नहीं कहेगा कि जी आप ब्लड प्रेशर नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर है तो वो लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है मेजोरिटी में, बहुत कम में ऐसा होता है कि उसको क्योर कर सकते हैं। ये एक मशीन होती है जो बेल्ट पर बांधी जाती है और कफ एक बांध दिया जाता है, दिन में एक एक घंटे पर वो ब्लड प्रेशर आपका मेजर करेगी और नोट करती रहेगी उसको, और नाइट में दो दो घंटे पर वो ब्लड प्रेशर आपका मेजर करेगी और पूरा 24 घंटे का हमें ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट आ जाता है। और बहुत ज़रूरी है हमें जिसको हम ये बांध रहे हैं उसको ये बताना कि भाई कभी आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको नोट कर लें, सो दैट वी नो कि ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा तो किस कारण से बढ़ा, अदरवाइज हम उसको गलत इंटरप्रेट कर लेंगे। तो एक नोटबुक में ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैंने इतने बजे मैं सीढ़ी पर चढ़ा था या मैंने फिजिकल एक्टिविटी की थी, जिम किया या कुछ किया, वो जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या होती है, रात में ब्लड प्रेशर अक्सर डिप करता है, रात में ब्लड प्रेशर की जो लिमिट भी होती है वो भी कम होती है, 120/70 से ऊपर अगर रात में सोते समय ब्लड प्रेशर है तो वो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। सेकंड क्या होता है, कुछ कंडीशंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर जी ने बताई, OSA होता है कि जो खर्राटे लोग लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर में डिपिंग रात में नहीं होता, ऐसे जो गुर्दे के मरीज होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज उनमें भी रात में जब ब्लड प्रेशर सोता है आदमी तो डिपिंग नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी मशीन है जिससे हम लोग डायग्नोसिस भी बना सकते हैं ब्लड प्रेशर का, जिसमें बीच बीच में हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे ड्रग्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो हमें कुछ हिंट भी दे सकता है डिपिंग के बारे में, अगर डिपिंग नहीं हो रही है तो वी कैन से कि आस्क कि भाई आपको ऐसा तो नहीं कि खर्राटे आते हैं, या किडनी डिजीज के लिए इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। लास्टली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस बनता है तो ब्लड प्रेशर को मेजर करना, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, ब्लड प्रेशर का दवा लेना तो जरूरी है ही। ये ब्लड प्रेशर आपको परेशानी करेगा ऑर्गन से, टारगेट ऑर्गन से, तो अगर ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस आपको बनता है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं और जितने भी टारगेट ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है उसकी जाँच अवश्य कराएं। कई बार क्या होता है, मरीज कहता है कि जी मैं 20 साल से ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, 20 साल से दवा खा रहा हूँ, और वो हम लोग के पास आता है यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बड़ा लिया हुआ, हमने कहा कभी जांच कराई, बोले नहीं जी ये तो कभी दिक्कत ही नहीं हुई इसलिए हमने जांच नहीं कराई, जबकि गुर्दे की बीमारी को भी साइलेंट किलर बोलते हैं, 50% दोनों गुर्दे खराब हो जाएंगे, ना यूरिया बढ़ता है ना क्रिएटिनिन बढ़ता है, और जब 85% गुर्दे खराब होते हैं तब मरीज को लक्षण आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस बना है तो अपने सभी टारगेट ऑर्गन्स की जाँच अपने डॉक्टर से जरूर कराएं। यस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर इस तरह की हम लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ हाइपरटेंशन का इलाज जरूरी नहीं है,
उसके साथ साथ और भी ज्यादा चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं, जरूरी हैं, जिनको साथ साथ लेकर चलना होगा कि हमें जो उनसे रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उनकी भी समय समय पर जांच कराते रहें, अपने डॉक्टर से, अपने एक्सपर्ट से उसको लेकर कंसल्टेशन बराबर बनाए रखें। एंड एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर अजय जी से जरूर पूछना चाहूंगी अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की इलाज की जब बात करते हैं तो कई बार जब पेशेंट को ये लगने लगता है कि अब दवाएं लेने के बाद अब उसका हाइपरटेंशन कंट्रोल में आ गया है, उस दौरान वो लापरवाही करते हुए दवाएं लेना बंद कर देता है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको कैसे अवेयर करना चाहेंगे, प्लीज डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी। मैं ऐसे लोगों को हमेशा इस बात से बात समझाने की प्रयास करता हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ कि देखिए, मेरी नज़रें कमजोर हैं और मैं 14 साल की उम्र से चश्मा लगा रहा हूँ, तो जब मैं चश्मा लगाता हूँ, मेरी आंखें कमजोर है, तो मैं जब चश्मा लगाता हूँ तो अपना काम अच्छी तरह कर पाता हूँ। अगर मैं चश्मा लगाने के बाद मुझे साफ दिखाई पड़ता है तो क्या मैं चश्मा उतार दूँ? चश्मा उतार ये चश्मा मैं कब तक लगाऊंगा? तो बोलते हैं कि भाई सर, ये तो आप जब 14 साल की उम्र से लगा रहे हैं तो आजीवन लगाएंगे। तो मैं यही बात से उनको समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं होती है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरी नज़रें कमज़ोर हैं तो वो नॉर्मल नहीं हो जाएंगी, मुझे उसके लिए चश्मा लगाना ही पड़ेगा। जैसे हम चश्मा लगाते हैं, आप अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलर खाइए, जब आप खाएंगे कंट्रोल रहेगा, लाइफ स्टाइल में जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल रहेगा। नहीं करने से, जैसा कि प्रदीप सर ने बताया कि आपके टारगेट ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। टारगेट ऑर्गन डैमेज में क्या होगा, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा। जैसे हम लोग बहुत मरीज देखते हैं कि ब्रेन में लकवा लेके, हेमरेज लेके आते हैं, उनकी हिस्ट्री होती है 10 साल 15 साल 5 साल से वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दवाइयाँ रेगुलर खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, हार्ट मोटा हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हार्ट में अटैक हो जाता है, आँख की नसों में आँख के पर्दे खराब हो जाते हैं, आँख की नसों में ब्लीडिंग हो जाती है, किडनी पर बुरा असर होता है, किडनी से प्रोटीन जाने लगता है, किडनी का फंक्शन कम हो जाता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल करेंगे तो आपके ये टारगेट ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आजीवन खानी होती हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में, जैसे आपको लूज मोशन, डायरिया, वोमिटिंग हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो आपके डॉक्टर ब्लड प्रेशर की दवाइयों को कम करते हैं या होल्ड करते हैं, तो उन परिस्थितियों को छोड़ के नियमित रूप से इसको खाना चाहिए। और आपके पास एक होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन रखिए, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहिए, कभी वो बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो तो अपने डॉक्टर से रिपोर्ट करिए। ये उनके, हमारे सभी व्यूअर्स के लिए और हमारे हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खानी होती हैं। ब्लड प्रेशर क्योर नहीं होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ ब्लड प्रेशर के कारणों के अलावा। जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ होती हैं जो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, जिनमें कि कुछ कारणों से ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, उनको अगर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं सेकेंडरी कॉज का, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। जैसे कि किसी का अगर किडनी की नसों में कोई रुकावट हो, उसमें उसको नसों को ठीक कर दिया जाए, किसी को अगर हार्ट की जो मुख्य नली जो कि हार्ट से निकल के पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर देती है, वहाँ पे कोई रुकावट है, तो उसमें अगर बेटरमेंट कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग कॉन्जेनाइटल कोऑप्टेशन ऑफ एरोटा वगैरह बोलते हैं, तो इन सारी बीमारियों में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जो बहुत हाई रहता है वो इन सब प्रोसीजर्स के बाद थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, तो उसके लिए दवाइयां रेगुलर लेके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड जो टोटल सम अप निकलता है हमारे इस वेबिनार का, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय जेबी फार्मा, वो ये निकलता है कि हाइपरटेंशन सिर्फ कुछ चीजों को लेकर हमारे बॉडी में एंट्री नहीं करता है, वो सिर्फ हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जुड़ा नहीं होता है, सिर्फ हमारे हेडेक प्रॉब्लम से जुड़ा नहीं होता है, वो हमारी बॉडी के और भी ऑर्गन्स को धीरे धीरे इफेक्ट कर रहा होता है। तो अगर हाइपरटेंशन जैसी कोई भी शिकायत, कोई भी सिम्टम आपको भी समझ में आ रहे हो हमारे इस वेबिनार के जरिए, जितने सिम्टम हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके साथ शेयर करे, अगर उस तरह के कोई सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हो अपने अंदर, तो अपने एक्सपर्ट से, अपने कंसल्ट, अपने डॉक्टर से उसको जरूर कंसल्ट करें, सो दैट कि वो आपके बॉडी के और ऑर्गन्स को इफेक्ट ना करने पाए, आप और बुरी स्थिति में ना जाएं, इससे पहले ही अवेयर हो जाएं। एंड आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हाइपरटेंशन को लेकर हमारे साथ इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां शेयर करी, इसके लिए अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रदीप जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना इतना कीमती समय हमारे साथ आपने शेयर करा, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करा, उनको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी। एंड हमारा जो फाइनल थैंक्स है वो जेबी फार्मा को,
जिनके एसोसिएशन के साथ हम लोग इस वेबिनार को लेकर इस अपने पैनल अपने इस चैनल पे आ सके हैं। और इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स से भी लूंगी विदा, मिलेंगे फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।